श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या की सुंदरता का वर्णन श्री राम चरित मानस के अयोध्या कांड में बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहुआई, अर्थात रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ घुमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल चुकी हैं, और नगर के स्त्री पुरुष मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य तथा सुंदर हैं। राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभय वीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको धरती पर स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या के दिव्यतम स्वरूप एवं श्री राम हेरिटेज वॉक में हो रहे नए निर्माण कार्यों के संदर्भ में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूंगा। सामने आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के सबसे वीवीआईपी मार्ग धर्मपथ का यह अद्भुत अलौकिक परिदृश्य है, और आप यहां देख सकते हैं कि भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा के चारों ओर भारी संख्या में राम भक्तों का हुजूम उपस्थित है। और अयोध्या में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अयोध्या में चुनाव हारने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, बल्कि मैंने यह प्रत्यक्ष देखा कि शाम को 6:30 बजे यहाँ पर राम भक्तों का हुजूम उपस्थित था, और यह कल की ही घटना है कि यहाँ पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान सूर्य की गोलाकृति में जो भव्य प्रतिमा है वह इस परिसर को काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्य बना देती है। और प्रभु श्री राम सूर्य वंश में जन्मे थे, अतः सूर्य वंश की महिमा को ध्यान में रखते हुए धर्मपथ मार्ग के कई स्थानों पर भगवान सूर्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, और भगवान सूर्य प्रभु श्री राम के कुल देवता भी माने जाते हैं, और भगवान सूर्य से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है, अतः उनकी महत्ता को संपूर्ण अयोध्या के कई स्थलों में दिखाया गया है, चाहे वह सूर्यकुंड हो अथवा धर्मपथ मार्ग के दोनों मुख्य प्रवेश द्वार हों, चाहे वह सूर्य स्तंभ हों, उन सभी में आपको सूर्य की महिमा का भव्यतम गुणगान दिखेगा। हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन बड़े ही विस्तार से मिलता है, और हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य को ऊर्जा का मुख्यतम स्रोत माना गया है। और यदि हम प्रातः उठ करके भगवान सूर्य को पूर्व दिशा में यदि हम जल अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि की वापसी होती है, और जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है। हमारे प्राचीन वेदों में भगवान सूर्य को जगत की आत्मा भी कहा गया है, और समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य देव ही हैं। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है, और यह आज तक एक सर्वमान्य सत्य है, और वैदिक काल में आदि सूर्य को ही सारे जगत का स्वामी माना गया था। सामने आप देख सकते हैं कि राम मंदिर जाने के सबसे वीवीआईपी मार्ग धर्मपथ पर श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सुविधा प्रदान की गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले वृद्ध अशक्त एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर निःशुल्क रूप से बैटरी चालित वाहन की मुफ्त सुविधा प्रदान की जा रही है, और विशेष अवसरों पर इस प्रकार के बैटरी चालित वाहन आपको देखने को मिल जाएंगे, और यह देखने में काफ़ी अधिक आकर्षक लगते हैं, और अयोध्या के कई स्थानों पर इसी प्रकार के वाहन आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही यह सुविधा पूर्णतया निःशुल्क है, और अयोध्या में धर्मार्थ कार्यों के लिए काफ़ी अधिक खर्च किया जा रहा है, और चाहे परिसर में निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था हो, और चाहे परिसर में बैठने की व्यवस्था हो और विश्राम की सुविधा हो और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो, सभी सुविधाएँ आपको अयोध्या में देखने को मिल जाएंगी। अयोध्या के सबसे सुंदरतम एवं मोहक स्वरूप का यदि आपको दिव्यतम दर्शन करना हो तो रात्रि काल में आप धर्मपथ मार्ग पर अवश्य आएं, और शाम 7:30 बजे से यहां पर अद्भुत लाइटिंग की जो व्यवस्था है वह इस परिसर को काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्यतम बना देती है, और यहां पर जो सूर्य स्तंभों की आभा है वह दिव्यतम प्रतीत होती है, और साथ ही यहाँ पर सूर्य स्तंभों के ठीक दोनों किनारों पर बने म्यूरल आर्ट यानी रामायण चित्रांकन इस परिसर की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खास बात है
कि यहाँ पर रामायण जो भी चित्रांकन यहाँ पर किए गए हैं वह बिल्कुल क्रमवार हैं, यानी प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई प्रारंभिक घटनाओं से लेकर के अंतिम घटनाओं तक आपको सीरियल वाइज यानी क्रमवार आपको घटनाओं का यहाँ पर बेहतरीन वर्णन किया गया है। और साथ ही यहाँ पर चित्रों के ऊपर बेहतरीन लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे यह परिसर काफ़ी अधिक दिव्य प्रतीत होता है। और रात्रि 7:30 बजे के परिदृश्य में आप देख सकते हैं कि इस परिसर में अभी रात्रि होने को है और अभी भी परिसर काफ़ी अधिक मोहक एवं सुंदरतम प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवाजाही भी काफ़ी अधिक तीव्र हो गई है। फुटपाथ के दोनों किनारों पर बने हुए रामायण चित्रांकन की निर्माण कार्यों की बात करें तो दीवारों पर लगभग 85% से अधिक यहाँ पर भित्ति चित्रों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिया जा चुका है। और साथ ही कोलकाता एवं कानपुर से आए कारीगरों की टीम द्वारा 3 से 4 भित्ति चित्रों का अभी फिलहाल निर्माण कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में सभी भित्ति चित्रों के निर्माण कार्य लगभग पूर्ण कर लिए जाएंगे। दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के सबसे VVIP एवं सुंदरतम मार्ग धर्मपथ के धरती पर स्वर्ग से भी सुंदर स्वरूप एवं नए निर्माण कार्यों के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। आप यहां देख सकते हैं कि भित्ति चित्र के ऊपर जो लगे हुए लैंप हैं अभी शाम होने तक उन्हें नहीं जलाया जा सका है और मैंने इसके बारे में जानने का प्रयास किया तो यहां पर अधिकारी ने हमें बताया कि फिलहाल अभी अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा है और जल्द से जल्द सभी लैंपों को सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा और रात्रिकाल में लैंपों के जलने से यहाँ पर भित्ति चित्रों की शोभा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। अतः मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन सभी लाइटिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को अयोध्या के देवतम स्वरूप का भव्य दर्शन हो सके। परिसर में बने हुए जो चौड़े चौड़े फुटपाथ हैं वह इस परिसर की शोभा में काफ़ी अधिक वृद्धि करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी माता सीता से मिलने अशोक वाटिका जाते हैं, जिसका चित्रांकन भित्ति चित्रों में काफ़ी अधिक सुंदरता से किया गया है। धर्मपथ मार्ग को नया स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से इसे श्री राम हेरिटेज वॉक के रूप में विकसित करने की एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और इसके संदर्भ में मैंने आपको पूर्वज जानकारी प्रदान कर दी थी कि यहाँ पर मार्गों की चौड़ाई को बढ़ा करके फुटपाथ की भी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और साथ ही इस परिसर को और भी अधिक चौड़ा करने के बाद इसे और भी अधिक भव्यतम बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यह योजना अभी इस पर कार्य मंद गति से होता हुआ दिख रहा है और प्राधिकरण के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि फिलहाल अभी 5 कोसी एवं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण पर यहाँ पर मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। और यदि आप अयोध्या के 5 कोसी एवं 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर जाएंगे तो जगह जगह आपको खुदे हुए सड़कें दिखाई पड़ेंगी और मेरा आपसे आग्रह है कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए आप मुख्य मार्गों का ही उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पर कई मार्गों पर अभी निर्माण कार्य चल रहे हैं, अतः यहाँ पर आपको बड़े जाम की स्थिति देखने को मिल जाएगी। अतः इससे निपटने के लिए आप मुख्य मार्गों का ही प्रयोग करें। यदि आप राम मंदिर का दर्शन करने शाम के समय आ रहे हैं तो यहाँ पर वाहनों के पार्किंग को आप सुनिश्चित करें, क्योंकि यहाँ पर वाहनों का प्रवेश हनुमान गुफा के बैरियर के पास वाहनों को रूट डाइवर्जन कर दिया गया है और जिससे श्रद्धालुओं को अनेक प्रकार की असुविधा हो रही है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि इस परिसर में पैदल ही आप भ्रमण करें, इससे आपको काफ़ी अधिक सुविधा होगी। यहाँ पर दिख रहे भित्ति चित्रों का जो संपूर्ण आनंद है वह आपको शाम या रात्रि के समय ही देखने को मिलेगा, अतः इस अवसर को बिल्कुल भी न गंवाएं और इस परिसर में जरूर दर्शन करने आएं और इससे आपको काफ़ी अधिक आत्मिक शांति एवं प्रभु श्री राम से जुड़े हुए मुख्य चित्रों का दिव्यतम दर्शन प्राप्त होगा। और यदि आप अपने किसी परिजन के यहाँ रुके हैं तो आप बाइक के द्वारा संपूर्ण अयोध्या के दिव्यतम दर्शन प्राप्त कर सकते हैं
और आपको वहाँ पर किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर की ओर जाने के मुख्यतम VVIP मार्ग धर्मपद के धरती के स्वर्ग से सुंदर स्वरूप एवं नव निर्माण कार्यों के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम, राम।